हेलो फ्रेंड्स वेलकम माय नेम इज कमलवीर आज हम एक पोईम डिस्कस करेंगे पोइम का नेम है लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन इसके ऑथर है ह्यूज और आपका पेपर है अमेरिकन लिटरेचर पार्ट वन और यूनिट नंबर भी फर्स्ट है स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले हम इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं पोइम के बारे में सो पोइम पब्लिश हुई थी ये नाइनटीन में इसमें क्या है? रेगुलर राइम स्कीम तो इसमें कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं है ओके इट कंबाइंस बोथ राइम्ड एंड तो कुछ तो राइम्स हैं कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे नहीं है ओके okay?

बाद में फिर इस बुक में भी ये पोइट्री दोबारा पब्लिश हुई इसके थीम्स क्या है द पोए एक्सप्लोर थीम्स ऑफ अमेरिकन ड्रीम द डिस्पेरिटी बिटवीन आइडलाइज्ड विजन ऑफ अमेरिका एंड द रियलिटी फेस्ड बाय वेरियस मार्जिनलाइज ग्रुप्स इंक्लूडिंग अफ्रीकन अमेरिकन नेटिव अमेरिकन एंड वर्किंग क्लास देखो तो यहाँ पे वो बताते हैं कि एक अमेरिकन ड्रीम है अमेरिकन ड्रीम का मतलब ये कि वहाँ के लोग वहाँ की सोसाइटी वहाँ के पॉलिटिशियन वहाँ की गवर्नमेंट का एक विजन है कि हमारा अमेरिका कैसा होना चाहिए प्रोस्पेर से होना चाहिए वहां पे इनिक्वालिटी नहीं हो सभी लोग इक्वल हों सभी लोग आप कह लो सभी को अच्छा एजुकेशन अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले यही अमेरिकन ड्रीम है सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ रहें यही होगा ना अमेरिकन ड्रीम हम भी यही हमारा भी यही ड्रीम होता है इंडियंस का तो लेकिन ये अमेरिकन ड्रीम फुलफिल होता हमें नहीं नजर आता है ये पोएम में हमें दिखाया गया है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं माइनॉरिटी के लोग हैं नेटिव अमेरिकन है उनके साथ तो कोई अच्छा बिहेव कर ही नहीं रहा अमेरिका में तो ये कैसा अमेरिकन ड्रीम हुआ इस तरीके की बातें हमें नजर आएंगी इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स द पोएम कंसिस्ट ऑफ फोर्टीन स्टेंसर फोर्टीन टोटल स्टेंस हैं

मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड कोलोकियल लैंग्वेज तो इसमें फॉर्मल इन फॉर्मल दोनों तरीके के वर्ड्स और लैंग्वेज यूज की गई है ओके। इसकी टोन क्रिटिकल है क्रिटिकल ऐसे है कि यार अमेरिकन ड्रीम तो पूरा नहीं हो रहा फिर लेकिन होपफुल भी है कि अमेरिकन ड्रीम पूरा भी होगा तो स्टार्ट करते हैं अभी डिटेल में पूरी पोईम को समझेंगे तो फर्स्ट लाइन यहां से स्टार्ट होती है लेट अमेरिका बी अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका अगेन लेट इट बी द ड्रीम इट यूज टू बी जो सोचा था वैसा इसे करें लेट इट बी द पायनियर ऑफ द प्लेन सीकिंग अ होम वेयर ही हर एक इंसान फ्री हो अमेरिका नेवर वॉज अमेरिका टू मी लेट अमेरिका बी द ड्रीम द ड्रीमर्स ड्रीम्ड लेट इट बी डेड ग्रेट स्ट्रॉन्ग लैंड ऑफ लव वी नेवर किंग्सनीम और नॉर टायरेंट स्कीम यानी कि हमेशा यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर रहता है कि कोई भी बड़ा इंसान छोटे को तंग नहीं करता है। मतलब अमीर गरीब के साथ उसको किसी से नहीं करता है अभी इसकी को समझो। ये चार पांच का क्या मीनिंग है डिजायर फॉर दास्ट द स्पीकर विशेष फॉर अमेरिका टू रिटर्न टू वट इट वंस वॉज तो पहली लाइन यही निकल कर आती है कि अमेरिका जैसे एक टाइम पे होता था ना कि इनके अकॉर्डिंग बेस्ट अमेरिका तो वैसा ही ये डिजायर कर रहे हैं विश कर रहे हैं कि दोबारा हो जाए दे वॉन्ट टू एम्बॉडी द ड्रीम इट यूज टू रिप्रेजेंट वो कह रहे हैं कि जो ड्रीम ये रिप्रेजेंट करता था ना यानी कि हमारा एक विजन था उस विजन के अकॉर्डिंग अमेरिका चल रहा था तो वो दोबारा होना चाहिए पायोनियर स्पिरिट द स्पीकर एंड अमेरिका एज अ पायोनियर एक्सप्लोरिंग ओपन लैंड

दिस लेकिन साथ में ये डाउट भी है लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो मैं तो बात कर रहा हूँ पहला अमेरिका था दोबारा बनाओ लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या तब भी सारी चीजें सही थी कि नहीं थी है। सो आगे बताते हैं कि आउथर एम्फिस करता है अ पर्सनल पर्स्पेक्टिव डेट कॉन्ट्रास्ट विद द आइडलाइज्ड इमेज ऑफ अमेरिका वो एक पर्सनल कॉन्ट्रास्ट पर्सनल उनका जो आप कह लो अमेरिका के बारे में अलग विचार है कि वो अलग तरीके से अपने मन में पोर्ट्रे करते हैं अमेरिका को लेकिन आइडलाइज्ड अमेरिका एक अलग इमेज है तो उसमें कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाई देता है ये आइडलाइज्ड अमेरिका कैसे है द स्पीकर इंट्रोड्यूस्ड एन आइडलाइज्ड ड्रीम फॉर अमेरिका वेयर लव एंड फ्रीडम प्रीवियर वो कह रहे हैं कि आइडलाइज्ड अमेरिका ऐसा होगा जहां पे प्यार और सभी लोग फ्री होंगे दिस ड्रीम इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेट स्ट्रॉन्ग लैंड ऑफ लव ये उनके लिए वर्ड यूज किए गए क्रिटिक ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको बताया द स्पीकर क्रिटिसाइजिस अ हिस्ट्री वेयर किंग्स कनाइव एंड टायरेंट्स केम टू अप्रेस पीपल वो कह रहे हैं कि ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल अच्छे नहीं होते जहाँ पे राजा रानी राज करते हैं वो कह रहे हैं कि लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है ओके okay. मतलब इनका ड्रीम क्या है कि हमारे यहां पे क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए ताकि कोई एक इंसान राजा सभी लोगों के ऊपर राज ना करे लोग अपने ऊपर खुद से अपने आप को रूल करे रूल करे गवर्न करे तो वो डेमोक्रेसी में होता है तो ऐसा सिस्टम ये चाहते हैं रिइरेशन ऑफ डिसमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट सेट ऑफ लाइन द रिपीट मतलब आउथर, आइडिया डेट दिस ड्रीम ऑफ एन इक्वल एंड लविंग अमेरिका है कि ये सारी बातें ना पास में ना फ्यूचर में ना प्रेजेंट में मैंने तो कभी नहीं देखी okay. अगली लाइन क्या है ओ लेट माई हैंड बी लैंड वियर लिबर्टेड ओ लेट माई लैंड बी आर लिबर्टेड इज क्राउंड विद नो फॉल्स पेट्रियोटिक तो अच्छा मैं यहाँ पे रोक के आपको बता दू कि ये तो फर्स्ट पार्ट है इसका अभी सेकंड पार्ट और कंप्लीट पार्ट आप इस वीडियो का इस पोएम का देख सकते हो हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर या फिर वेबसाइट विजिट करना अमन पाठशाला डॉट कॉम या एंड्रॉइड ऐप या वेबसाइट वहां पे आपको कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएगा लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा क्लिक करके आप देख सकते हो वहां पे कंप्लीट वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर ये फर्स्ट और इंट्रोडक्टरी वीडियो था आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक करना चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय